फिलहाल मैं नागपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे प्लेटफॉर्म 8 पे आज हमारे नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का सेकेंड लॉन्चिंग होने वाला है। एंट्री आपको दिखा देती हूँ मैं, कैसे एंट्री हो रही है सबकी। और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे हमारे नागपुर रेलवे स्टेशन का पूरा ही मैप लोकेटेड है, क्योंकि हमारा नागपुर रेलवे स्टेशन भी रिनोवेट हो रहा है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा ये पूरा प्लेटफॉर्म 8 का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। एज यू कैन सी, यहाँ पे गेट्स बने हुए हैं, यहाँ पे रेड कारपेट बिछी हुई है नीचे में। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज भी लगा हुआ है, स्क्रीन भी लगी हुई है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। और बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स और बहुत सारा स्टाफ यहाँ पे, साथ ही में इंडियन रेलवेज का पूरा ही स्टाफ यहाँ पे प्रेजेंट है। सो चलते हैं, हम भी बैठते हैं। और इस लॉन्चिंग के लिए पीएम मोदी के साथ साथ नागपुर के बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है। और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी के साथ साथ ये सारे ही स्कूल के बच्चे ट्रैवल करने वाले हैं न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर तो हमारा हक है, उन्होंने तुरंत गुजरात आना चाहिए, आपकी भावना सही है। लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प, फॉरेंसिक हो, पुलिस बंदोबस्त हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स गडकरी जी और फडणवीस जी आ रहे हैं। साथ ही में बहुत सारे वीआईपी पर्सन्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ये सेकेंड वंदे भारत है हमारी नागपुर सिटी को मिलने जा रही है। इसी के साथ साथ आज पूरे ही इंडिया में एक नहीं 6 वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई है। नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट टू वाराणसी, दुर्ग टू विशाखापट्टनम, पुणे टू हुबली एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वाराणसी टू दिल्ली। दी फर्स्ट लुक ऑफ आ न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस। और आप देख सकते हो ये अजनी रेलवे स्टेशन से होके नागपुर रेलवे स्टेशन के बीच पास हो रही है करंटली। और अभी शाम के 4:30 बजे का ये पूरा ही इवेंट है। ये 6 वंदे भारत ट्रेन्स जो है वो आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च की जाएंगी। साथियों, कुछ दिन पहले भी गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने माँ बाप के इलाज की चिंता नहीं करनी। यहाँ पे स्नैक्स के साथ साथ कुछ कैप्स भी प्रोवाइड की गई है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का लोगो लगा हुआ है। रेड कलर की ये सारी कैप्स आप वेयर करके देख सकते हो यहाँ के सारी ही मेंबर्स को। अगर कंपनी नए नौजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है। सरकार ने मुद्रा लोन, जिस मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के क्षेत्र में नई क्रांति लाई, बहुत सफल अभियान रहा है। उसकी सफलता को देखते हुए देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाए गए। नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली।
इसे नौकरी पेशा व्यापार कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब ये हुआ कि पिछले 15 सप्ताह में हर सप्ताह एक हिसाब से 15 सप्ताह में 15 नई मेट्रो के कल झारखंड से भी मैंने अनेक वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आज भी नागपुर सिकंदराबाद कोल्हापुर पुणे आगरा कैंट बनारस दुर्ग विशाखापट्टनम पुणे हुगली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत तो अब 20 करोड़ की हो गई। आज देश में 125 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें हर रोज हजारों लोगों को बेहतर सफर का आनंद दे रही है। साथियों, गुजरात के हम लोग समय का मूल्य समझते हैं। भारत के लिए समय भारत का गोल्डन पीरियड, भारत का अमृत काल है। अभी अगले 25 साल में हम अपने देश को विकसित बनाना है और इसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। दुनिया में हर कोई भारत का भारतीयों का खुले मन से स्वागत करता है। हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते तैयार बने। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। जिस प्रकार भारत के लोगों ने लगातार 30 बार 3 सरकार बनाई, जिस प्रकार भारत तेज गति से विकास कर रहा है, उसे दुनिया की उम्मीदें और अधिक बढ़ गई और एक लगातार निशाने पर ले रहे। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क में रहना है और इन पर नजर भी रखनी। साथियों, विकसित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से भारत की शान भी बढ़ानी है और हर भारतीय को सम्मान का जीवन भी देना। और मैं जानता हूं गुजरात इसमें भी अग्रणी है। हम सभी के प्रयासों से हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। आज आप जिस उमंग की उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं गुजरात से नई ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ूंगा, नई चेतना को लेकर के जीऊंगा। आपके लिए, आपके सपनों के लिए अपना पल पल खपा दूंगा। आपका कल्याण सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य है। मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में अपने आप बाहुतर करने का निर्णय कर लिया, अपने आप को खपाने का निर्णय कर लिया। और इसलिए साथियों, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। आप मुझे आशीर्वाद दें,
साथियों के आशीर्वाद से, एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए उमंग और नए हौसले के साथ मैं 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूँ, जीता हूँ, जीना चाहता हूँ। इतनी बड़ी तादाद आप सभी को नई सुविधाओं के लिए, नई योजनाओं के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मनीष अग्रवाल जी, मंडल रेल प्रबंधक को, कि वे कृपया औपचारिक आभार प्रदर्शन करें। पहले हम सब राष्ट्रगान के लिए अपने सामने खड़े होंगे। राष्ट्रगान शुरू करेंगे।